हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। तो बेटे, अपना अज का टॉपिक है हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल। तो ये बेटे हाइजनबर्ग ने अपन एक अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल दिता है, बहुत ही वधिया प्रिंसीपल है। ये प्रिंसीपल ने बोर नू काट की है बेटे। बोर की कहिंदा सीगा? बोर कहिंदा सीगा जी, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है वह न्यूक्लियस के आले दुआले जिहड़े अपने ऑर्बिट के रिवॉल्व होंगे है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसीपल ये गल कहता है, वह कहता जी ये पॉसीबल ही नहीं है कि ऐसी वो जो इलैक्ट्रॉन घूम रहा है वह मोमेंटम भी देख लगे तो वह जो पोजिशन भी देख लगे एक टाइम, दोनों चीज़ा जीडिया एक टाइम वो नहीं देखा जाएगा। क्या इट इज़ नॉट पॉसीबल टू मेजर द साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टीकल विद एक एबसोल्यूट एक्यूरेसी। एबसोल्यूट एक्यूरेसी दे रही असं कहते हैं दोनों चीज़ा नहीं देख सकते गे, ठीक है। भी असं पोजिशन भी वो नोट कर लगे जी, वो जी वेलोसिटी भी नोट कर लगे, दो चीज़ा कट्ठिया नहीं हो सकता, एक चीज़ हो सकती है, ठीक है। इन्हें बैठे पोजिशन डेल्टा एक्स के डिनोट किया है, और जी है अपने को मोमेंटम है उन्होंने डेल्टा पी के डिनोट किया है। वह कहें जी ये एक्सप्रैशन है, मैथमैटिकल एक्सप्रैशन, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच ओवर फोर बाई वेयर एच इज अ प्लैंक्स कॉन्सटेंट। कहें जो प्रोडक्ट है ये तो ज़्यादा होंगे जो की है बेटे बराबर होंगे, ठीक है। हुण डेल्टा पोजिशन इन्हें एक्स क्यों नहीं लिया, डेल्टा एक्स क्यों लिया? वेखो बेटे यदा मतलब है क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टीकल असं कहने जी इन्नी कु थान हो सकती है, लैट कर लो एक्स वन है एक्स टू है, इन्हों दोनों का डिफरेंस है, मतलब कि इन्ने थान हो सकती है, ठीक है। जिनी डेल्टा एक्स समॉल होगी उन्नी साढ़े को एक्यूरेसी ज़्यादा है। वेखो जे डेल्टा एक्स ज़्यादा है तो यहाँ मतलब आ ज़्यादा थान है, जे डेल्टा एक्स समॉल होंगी तो की होना सी बेटे घट थान होनी सी, ठीक है। जो होर समॉल होंगी तो होर घट थान, मतलब कि डेल्टा एक्स समॉल होनी चाहिए फिर साढ़े को जी है एक्यूरेसी ज़्यादा आऊगी। आप कह सकते भी इन्ने तो इन्ने के विचकार पार्टीकल फिरदा जी, इस जगह तो इस जगह के विचकार प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं इलैक्ट्रॉन की, हूँ तो देख नहीं सकते आप इलैक्ट्रॉन, इसे तरह ही डेल्टा पी भी आई है भी आप जी हैगी जो डेल्टा ही दे सकते मीन ही दे सकते भी कितने गजे वो होगी। हुण चक्कर की पै जाता बेटे, उन्हें यही गल कही है, वह कहें जी अपने को मान लो आए तो करके इलैक्ट्रॉन जाता पे आपके ऑर्बिट के रिवॉल्व होना सी उन्हें, ठीक है। तो जो असं उस इलैक्ट्रॉन के उत्ते इदा करके माइक्रोस्कोप देखना चाहते हैं बेटे, ठीक है। आ माइक्रोस्कोप के असं देखते हैं, सपोज करो, ठीक है, आप देखते हैं तो देख के इतने की पावे बेटे लाइट पावे, पहले फील ही दिसूगा ना सानू, इतने आप फोटोन पाने, जो असं इतने फोटोन पाने हैं तो फोटोन के नालू की मिल जाती है बई एनर्जी मिल जाती है, और एनर्जी मिलकर तो अपन पता ही नहीं बेटे की आपका पाथ ही छट जाना, दूसरे छल्ले पहुँच जाना होंगे, ठीक है। जदों इतने फोटोन पिया इन एनर्जी मिल गई, जब एनर्जी मिली तो अपना पाथ ही छड़ गया बेटे, ये एक्चुअल पाथ से जितों जाना उधर तो गया ही नहीं, इन्हें होर ही पाथ जो फड़ लिया वै, ठीक है, तो नवे पाथ में उठ गया। इस करके असी एक्यूरेसली दोनों चीज़ा आप नहीं देख सकते, जां तां बेटे उहदी पोजिशन देख सकते हैं जां फिर उहदी की है बेटे मोमेंटम देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जे असी डेल्टा एक्स समॉल लैंदे हैं भी डेल्टा एक्स बहुत घट होनी चाहिए साड़ी, तो फिर की है डेल्टा पी है जी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर फोर पाई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जेकर समॉल ले ली तो सानू पता भी आ जी सारी की सारी पूरी टर्म है, क्योंकि वटे किसी चीज़ के वटे बहुत छोटी छोटी टर्म आ जी, तो उपरली चीज़ जी अपने अपने आप ही जी है वध जाती है, ठीक है। जो थले चीज़ वड्डी होगी तो उपरली चीज़ घटूगी बेटे, तो यदा मतलब जे आ चीज़ डेल्टा एक्स वो समॉल लेने तो डेल्टा पी की वैल्यू जी है बहुत वध जाती है, तो यदा मतलब मोमेंटम वो एक्यूरेटली असं वेख नहीं सकते कि जे असी डेल्टा पी समॉल लें तो फिर की हो जाता बेटे डेल्टा पी समॉल लेने फिर डेल्टा एक्स वध जाती फिर उसकी पोजिशन नहीं देखी जाती, ठीक है। दोनों चो आप एक चीज़ है जी एक्यूरेटली देख सकते हैं, दूसरी चीज़ में असं एक्यूरेटली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर जी पी है वो मास इंटू वेलोसिटी होंगी, इस करके डेल्टा पी है जो बेटे मास इंटू बी डेल्टा भी आ जूगी, इदा करके डेल्टा एक्स, ठीक है, इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर फोर पाई बन जूगा, और डेल्टा एक्स कहदे बराबर आ जूगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर ग्रेटर दैन इक्वल टू एच ओवर फोर पाई इंटू एम, ये नवा रिलेशन ये जो है बन जाना। ये भी उही गल है भी जे असी पोजिशन
जी हैगी एक्यूरेसी वेखना चाहते हैं डेल्टा एक्स है जी संभाल लें तो डेल्टा बी की वैल्यू वही वैल्यू वैल्यू वही है तो उन्नी वैलोसिटी साढ़े तो नोट नहीं होनी। अगर जे बटे असं वैलोसिटी घट लें भी दस जे सू तो फिर सू पोजिशन नहीं नोट होंगी छेती ठीक है। दोनों चीज़ों से एक चीज़ बढ़ जाती तो एक चीज़ घट जाती हैगी है बेटे ठीक है जी। इदा करके असं दोनों एक्यूरेटली देख नहीं सकते गे। हूँ यदा फिजिकल सिग्निफिकेंस की है बेटे, फिजिकल सिग्निफिकेंस तो यही है भी जो असी यू देखना हैगा वै ठीक है तो वो मतलब कि कोई इस तरह का पार्टिकल हो जी जी है पोजिशन भी एक्यूरेटली देखनी है तो वो वैलोसिटी घट होनी चाहिए है बेटे ठीक है। तो वह जी है पोजिशन भी सानू एक्यूरेटली दसती हो, एक्यूरेटली दसद मतलब जो असी उस लाइट पाई उन्हें रिफ्लैक्ट हो के ठीक है साढ़े तक पहुँचना है, रिफ्लैक्ट होगा फिर साढ़े तक वो लाइट जी पहुँचूगी अखा तक तो फिर ही असं देखा ना ज स्कैटर होगी। तो वो लाइट पहुँचद यह ना हो कि आपका पोजिशन छड जाए। हूँ जोड़ा तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बेटे उन्हें तो पोजिशन छड ही जानी है, जोड़ा अपने को बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो असं पोजिशन एक्यूरेटली नोट कर सकते हैं क्योंकि वो जी है वनू इन्नी एनर्जी के ना उन्हें पोजिशन जो पाथ में छड़ना नहीं है गा वो वैलोसिटी के कोई बहुता फर्क नहीं आऊगा। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वैलोसिटी के भी फर्क आ जाना है लाइट पॉइंट के नाल और जो है वह पाथ के भी फर्क आ जाऊगा ठीक है। तो सिग्निफिकेंस जो तुम कोई पूछा जाए तो डेली लाइफ के सिग्निफिकेंस है तो बेटे डेली लाइफ के कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं गा क्यों, क्योंकि असं डेली लाइफ के जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के डील करते हैं अपना वे ऑब्जेक्ट्स के डील करते हैं छोटे ऑब्जेक्ट्स का तो सू बहुता काम पैंता नहीं है गा। इस करके की है बेटे साड़ी डेली लाइफ के कोई खास रोल नहीं है, यदा रोल सिर्फ जोड़ा है वह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तक ही सगा। तो ये बेटे अपना ना एक भाग जहाँ निबड़ गया है लगभग इस चैप्टर का और जी अगे आप चीज़ करनी है वो चीज़ बड़े मायने रखती है बेटे, आप क्वांटम नंबर करने हैं ठीक है। तो क्वांटम नंबर तो पहले आप ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स दो चीज़ें देखनी है कि अपने ऑर्बिट के घूमता है तो ऑर्बिटल्स की होंगे ने वो बारे तुम एक बार पढ़ के रखना तो अगे फिर आप करा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।